हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज हम कर रहे हैं स्टोर की सफाई। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि विशु का त्यौहार आने वाला है, यानी कि वैसाखी जिसको हम कहते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं, हम पूरे घर की सफाई करते हैं। साल में एक बार ऐसा होता है कि करनी ही करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है हमारे लिए। हम नए साल के रूप में इस त्यौहार को देखते हैं। तो आज हम कर रहे हैं स्टोर की सफाई। वैसे हमने घर की सफाई सारी कर दी है, लास्ट में करते हैं हम स्टोर की सफाई। वैसे तो अभी किचन भी रहता है, पर किचन की सफाई करते हैं विशु के एक दिन पहले या फिर विशु के दिन ही। पर आज हम कर रहे हैं स्टोर की सफाई। और स्टोर में आपको पता है क्या क्या चीजें नहीं होती है रखी हुई, तो बहुत ही मुश्किल होता है स्टोर की सफाई करना। तो दादी और मैं अभी साथ है, अभी हम मिलजुल के साथ में करेंगे। दादी तो नहीं कर पाएंगे उतना, बट थोड़ा बहुत दादी मुझे बताएंगी कि कौन सा सामान कहाँ रखा जाए। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी भी कि ये सामान किस चीज के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि यहाँ बहुत पुराने पुराने बर्तन हैं। तो करते हैं शुरू। पहले यहाँ से सामान सारा बाहर की तरफ निकालते हैं। कुछ एक बर्तन हम धोएंगे भी जो जिसमें डस्ट जम चुकी है, तो उनको हम बाहर निकालेंगे यहाँ से। तो करते हैं इस ब्लॉग का शुरू। अभी हमने यहाँ से सामान निकाला और अभी इस साइड को रखा हुआ है। इसको हम बाहर ले जाएंगे, फिर बाहर थोड़ा थोड़ा इनको धोएंगे। और यहाँ पर ऊपर भी बहुत सारा सामान रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है इस काम में। सो गाइस, मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि कुछ सामान ना बहुत पीछे हुआ है, वो निकल नहीं रहा है। तो ऊपर जाते हैं, थोड़ा झाड़ू भी मारते हैं, बहुत ज़्यादा कूड़ा है अंदर। टूटेगा तो नहीं है? वो अंदर मत जाए बेटे, झाड़ू। तो अभी हमने सारे बर्तन बाहर निकाल दिए, मतलब सारे नहीं निकाले लेकिन थोड़े बहुत निकाले अभी। तो अभी इन सबको तो धोना पड़ेगा, और मम्मी बोल रहे हैं कि इन सबको मैं धोऊं। तो देखो कितने सारे बर्तन हैं, मतलब धोना ऐसे नहीं धोना है, थोड़ा थोड़ा मतलब पानी मारना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं।
सारे बर्तन धो लिए हैं, बहुत सारे बर्तन थे जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो बड़े बड़े बर्तन धोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हमने ज़्यादा मतलब ऐसे धोए तो नहीं, मतलब जैसे प्रॉपरली नहीं धोए वो, क्योंकि वैसे तो साफ ही रहे, बट थोड़ी बहुत डस्ट उसमें जमी हुई थी और थोड़े ना मकड़ी के जाले लग गए थे क्योंकि बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुए बर्तन, तो थोड़ा बहुत ऐसे ही हमने धोया। और अभी मैं आपको और कुछ दिखाती हूँ अंदर, बाकी बर्तन तो अभी बाहर रखे हैं थोड़ा सूखने के लिए, तो अंदर मैं थोड़ा दिखाती हूँ स्टोर में क्या क्या है। तो पहले यहीं से शुरू करते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या रखा गया है। तो यहाँ पर है खेत से रिलेटेड सामान, जैसे कस्सी, बेलचा वगैरह जो भी होता है, ये आरी, पता नहीं बहुत कुछ चीज़ है। तो यहाँ पर तो यही रखा है, और इधर पता नहीं दवाइयाँ वगैरह रखी है कुछ, जैसे होती है दवाइयाँ खेत से रिलेटेड दवाइयाँ जो भी होती है पौधों की। और इधर तो कुछ नहीं है, इधर बाल्टियाँ वगैरह हैं, और इधर रखे हुए हैं ट्रंक वगैरह। और ये एक वो था, मतलब एक गुल्लक टाइप होता है ना, वो बनाया था इसका मुझे याद है, जब ये बनाया था इसमें पेंट किया था, तो इसमें ऐसे मतलब पैसे वगैरह डालते थे, बट पैसे उतने है तो नहीं इसमें, इसमें पैसे नहीं है ऐसे मत सोचना, बट ये बनाया था गुल्लक, पर ये यहाँ पे पड़ा हुआ है बहुत टाइम से लेकर। और ये मेरे ताऊ का ट्रंक है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में हुआ करते थे। और बाकी इधर ये तो नया सामान है जो भी है, ख़राब मिक्सी है। तो यहाँ आप देख सकते हो जो इसके नीचे रखा है, ये है एक मतलब कंटेनर टाइप है बड़ा जैसा, तो इसके अंदर अनाज वगैरह स्टोर किया जाता है। और इसके अंदर ना मक्की रखी है, बट मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर लगा है, तो इसको मैं नहीं निकाल पाऊँगी। और यहाँ पर ये क्रेट वगैरह तो जो होती है, फिर ये देख सकते हो आप, इसका तो आपको पता ही होगा, इसको तराजू बोलते हैं। तो एक और तराजू है हमारे पास, इसे छोटा वाला है, वो पता नहीं कहाँ रखा है अभी, मुझे पता नहीं है, मिलेगा तो दिखाऊंगी। और ये बहुत बड़ा तराजू है, बचपन में हम ऐसे करते थे, जब छोटे हुआ करते थे तो बाहर ले जाते थे तराजू, फिर इसमें बैठते थे, बहुत मज़े आते थे। गाइज मैं आपको इस स्टोर की सबसे ख़ास बात बता दूं, जो यहाँ पर ये पत्थर रखा है इसके नीचे है एक हवन कुंड, ये बहुत पहले से यहाँ पर है। और इसी स्टोर के ऊपर है हमारा पूजा वाला कमरा, जो मैंने आपको शिवरात्रि के व्लॉग में भी दिखाया था। इसके नीचे हवन कुंड है, वो आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि ये पत्थर सिर्फ तभी निकलता है जब हमारे घर में कुछ बड़ा हवन होगा, और वो हवन यहीं पर होता है स्टोर रूम में। बहुत सालों पहले यहाँ पर वो हवन हुआ था, तो इसको नहीं दिखा सकते हैं। मैंने भी नहीं देखा है आज तक, मैं सच बताऊँ अगर आपको। एक दिन मैं इसको ना निकालने लगी थी, मेरे को पता चला, मम्मी ने मेरे को बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, और मैं एक बार इसको निकालने लगी थी पत्थर को, और दादी बाहर से एकदम से आए और मुझे बहुत डांट पड़ी थी, तो मैं इसको नहीं दिखा सकती क्योंकि इसको हर कभी नहीं निकालते पत्थर को। और बाकी यहाँ पर सारा सामान तो बाहर लिया हुआ है जो भी है। और इसका मैं आपको बता दूँ, जो ये है इसमें पहले दूध रखा जाता था, दादी बोलते हैं कि हमारी बहुत सारी पहले भैंसें हुआ करती थी, गाय हुआ करती थी, तो बहुत सारा दूध होता था उस टाइम, तो इस टाइप के होते थे ना कुछ बर्तन, तो उस पर रखते थे सारा मतलब दूध वगैरह। और ये पता नहीं छोटा सा सिलेंडर जैसा है कुछ, तो अभी नया ही है। और यहाँ पर बाकी कुछ नहीं है, तो सिलेंडर वगैरह है, और ये दवाई डालने वाली मशीन है जो बगीचों में डालते हैं। तो यहाँ पर यही है, बाकी बर्तन सब बाहर है। तो शोरूम में ज़्यादा कुछ खास है तो नहीं है, बट ये जो है इसको हम चौठा बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, ये आटा वगैरह इसमें रखते हैं, जैसे मतलब कुछ भी चीज़ें अगर आप रखना चाहो, मतलब अनाज वगैरह अगर इस बर्तन में रखना चाहो, तो ये वही है, इसको चौठा बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, आप मुझे बता देना। और एक यहाँ पर भी है, और ये इसको बोलते हैं पाथा, तो ये काफ़ी भारी होता है उठाने में, देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा भारी है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, इसमें है बहुत सारी रस्सियाँ, जितना है बड़ा ये कट्टा है, पूरे कट्टे में रस्सियाँ ही रस्सियाँ है। और मैं आपको खास बात बता दूँ, जो ये रस्सियाँ है मेरी दादी ने खुद बनाई है अपने हाथों से, जो वो सीमेंट के कट्टे होते हैं ना उससे वो निकलते हैं ना, वो धागे टाइप जो भी होते हैं वो, उससे दादी ने ये बनाया है अपने हाथों से। और ये रस्सी बहुत ही ज़्यादा पक्की होती है, खास करके अगर आपके पास कोई गाय है, जिस गाय को जो बांधते हैं ना उनके लिए बहुत पक्की होती है ये रस्सी, तो दादी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है हमारे पास। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, यहाँ ऊपर रखी हुई है लाइट्स, जो ये लाइट्स होती है ये फंक्शंस में यूज़ होती है, जैसे घर में अगर कुछ फंक्शंस होते हैं ना तो इन लाइट्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी जो रोशनी होती है बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और ये बहुत अच्छी लाइट्स होती है। आपके साइड भी होती होगी ये लाइट्स, जैसे अगर हमारे घर में कोई छोटा फंक्शन है तो अंदर जैसे टेंट वगैरह लगे होते हैं उसके अंदर लगाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उजाला आता है इससे। सो गाइज अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे से कुछ काम ही नहीं हो रहा है, मैं सच बताऊँ अगर, इतना ज़्यादा काम किया ना अभी तक, तो अब मैंने तो छोड़ ही दिया काम करना, मम्मी कर रहा है काम सारा।
तो अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही टफ था। अब मेरे को ना मतलब बैक पेन हो रही है सच बताऊँ, क्योंकि बहुत भारी भारी बर्तन थे वो, वैसे उठाए मतलब एक जगह से दूसरी जगह रखे। अभी वो बर्तन बाहर ही है, अभी वहाँ से अंदर लाने हैं, वो भी उनको फिर से सेटल करना है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे किया जाए। तो अब हम धीरे धीरे सामान अंदर ला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके रखेंगे सारा सामान। ये कढ़ाई देखो कितनी ज़्यादा बड़ी है, मेरे से तो उठाई नहीं जा रही। मैं सोच रही पापा आते फिर उठाते, अब तो हिम्मत ही नहीं रही ना। अभी लंच किया मतलब काम के चक्कर में लंच करना भूल गए, और अभी टाइम फिनिश ही करें हो गया, 4 बज गए। तो अभी हमने खाना भी नहीं खाया, लंच नहीं किया, क्योंकि ये काम बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गया मतलब फैल गया सारा काम, क्योंकि इधर यहाँ तो चलो हमने सेटिंग कर दी है अब थोड़ी बहुत, अब इनको रखते हैं। तो बताओ ज़रा इनको बोलते क्या है, क्योंकि मैंने बताया नहीं है अभी। इसको बोलते हैं कढ़ाई। कढ़ाई का तो पता है, कढ़ाई का मतलब जिसमें पूरियाँ बनती है, सब्जी बनती है, हलवा बनता है बड़े बड़े फंक्शन में। तो ये सिर्फ फंक्शन के लिए ही निकलती है, बाकी तो ये स्टोर ही है, साल में एक बार इसको धोते हैं, सफाई होती है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पतीला, और अपने लोकल भाषा में इसको डिक्चा बोलते हैं। ये डिक्चे हैं सारे, इसको डिक्चा बोलते हैं, इसको भी, इसको भी। और इसमें पहले चावल बनाते थे पहले वाले टाइम में। और तो ये वाला, ये इसको बोलते हैं बटलोई, ये जो पानी दूर से लाना पड़ता फिर पहले के टाइम में मतलब। अच्छा, तो मैंने में डाल के, मैंने वीडियोस भी देखी, ऐसे चकते हैं कमर पे ऐसे करके। कमर पे नहीं, किल्टा होता है ना जो इस टाइप का किल्टा, इसके अंदर डाल के ऊपर इसी में ढक्कन लगा के पानी बिल्कुल नहीं गिरता इसके बाद, और इसका पानी बहुत ठंडा होता है। अच्छा, और जो ये है इसमें बनती है बर्फी, दादी सुना रहे मेरे को तो नहीं पता, इसमें बर्फी बनाते हैं। बर्फी? हाँ बर्फी, मिठाई। अच्छा, दादी सुनाते नहीं, पहले हमारा होटल हुआ करता था। अच्छा, मतलब दादी के ससुर के टाइम, तो उस टाइम के सारे बर्तन है जो पुराने वाले लोहे की कढ़ाइयाँ, 6-7 कढ़ाइयाँ, और ये पतीले वगैरह, और बाकी तो नए बर्तन का भी है जो एल्युमिनियम के, ये तो फिर नया चला ना। जो ये है इसमें बनती है जलेबी पकौड़े बनाने की कढ़ाई है, क्योंकि ये इसका डिज़ाइन ही अलग है, बहुत पतली तो क्या चपटी टाइप, और इस टाइप की होती है, इसमें बनती है जलेबी और मैं क्या कहूँ पकौड़े। तो गाइस अब मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, आवाज़ आ रही होगी बादल के गरजने की, तो हम सोच रहे कि फटाफट काम कर लेते हैं, और ऑलमोस्ट हमारा काम हो ही चुका है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी अब जब हमारा सारा सेटल हो जाएगा, बर्तन वगैरह जब हम अच्छे से रख लेंगे तो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ सब कुछ। तो अब कंटिन्यू काम करते हैं और मिलते हैं बाद में। सो गाइस हम सारे बर्तन अंदर लेकर आ गए हैं, और इसके बारे में आपको बताना भूल गई थी शायद, मतलब नाम तो मैंने आपको बताया था कि इसको गोलियाँ बोलते हैं, पर इसका काम क्या होता है वो मम्मी से पूछते हैं। तो इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? इसमें चावल बनाते हैं और अच्छे बनते हैं दानेदार चावल इसमें। तो इसका तो मुझे इतना पता है कि ये हमारी साइड ही नहीं, हिमाचल में बहुत जगह ये चीज़ यूज़ होती है, स्पेशली कांगड़ा साइड शायद ये बहुत यूज़ होता है। तो अगर कांगड़ा से कुछ लोग हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि कांगड़ी जो धाम होती है शायद उसमें ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और बाकी जो ये है ये तो क्या बोलते हैं इसको, डेग बोलते हैं इसको, इसमें मतलब अगर बहुत सारा खाना बनाना होगा उसके लिए होते हैं। तो ये साइज के अकॉर्डिंग होते हैं, अगर ज़्यादा कुछ मतलब बड़ा फंक्शन होगा तो बड़े यूज़ करते हैं, फिर छोटे और है, इतना छोटा है, फिर ये थोड़ा मीडियम साइज़ का है, फिर और इससे छोटे इधर भी हैं, ये इनके ढक्कन वगैरह है, बाल्टियाँ वगैरह, फिर ये सामान तो वही है जो बाहर था। तो बस अब इनको रखते हैं इनकी जगह पे। सो गाइज एवरीथिंग इज़ डन, आप देख सकते हो सब कुछ काम अब ख़त्म हो चुका है, और अब जान में जाना ही। तो अब मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि अब मैं भी खाना खा लेती हूँ, मतलब हम लोग खाना खा लेते हैं, मैं और मम्मी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और बैटरी भी नहीं रही है फ़ोन में। तो चलते हैं अब खाना खाते हैं, और इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, अगर कोई न्यू आया है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ में लाइक भी करना और कमेंट भी करना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। ओके, बाय 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 बाय।